तो हरियाणा में कल मतगणना है, कुरुक्षेत्र में कैसे इंतजाम है इसका जायजा लिया हमारे सीनियर साथी राजीव अरोड़ा जी ने, ये रिपोर्ट जरा देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कुरुक्षेत्र के कम्युनिटी सेंटर में काउंटिंग होनी है। लाडवा वैशाबाद विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग होगी। इस समय जो जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है, यहाँ पर जो है कड़े पहरे में जो है ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है। उस टेंट में जो है कुछ लोग बैठे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से जो है ये टेंट लगाया हुआ है, और कुछ लोग जो है यहाँ पर ये कहिए कि पहरा दे रहे हैं। ये लोग जो है लाडवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह के समर्थन में जो है पहरा दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन सीसीटीवी जो है ब्लैंक है। कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सीसीटीवी क्यों ब्लैंक है और आप यहाँ क्यों बैठे हैं। जी क्या बताएंगे आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? सर हमने यहाँ पे प्रशासन से हम दो दिन से गुहार लगा रहे हैं कि इस सीसीटीवी कैमरे को ठीक कर दिया जाए। आपके सामने इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। प्रशासन हमें लारे लगा रहे हैं, हाँ अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, आपका आपके सामने है। दो दिन हो चुका, कुछ भी प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं कर रहा है इसका। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं ताकि ये नहीं पता, हमें इतबार नहीं है कि भाजपा सरकार पे कब यहाँ चेंज कर दे मशीन। तो आपने मौखिक में किया या लिखित में भी कुछ सर, किया? अभी ऑब्जर्वर भी आए थे, मैंने उनको भी बोला, ऑब्जर्वर भी बोल के गए इसको कि मुझे वीडियो बना के भेज, लेकिन इसमें कोई असर नहीं। हमें नहीं पता ठेकेदार की और गवर्नमेंट की आपस में मिली। तो ये देखिए करनैल सिंह है जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सीसीटीवी है वो ठीक नहीं हो रहा, इसके बारे में प्रशासन को भी गुहार लगाई गई है और जो ऑब्जर्वर हैं उन्हें भी बताया गया है, लेकिन नतीजा डाक के तीन पात रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये सीसीटीवी ठीक होंगे या नहीं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, खबरें अभी तक।